गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना साहा। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था। आपके घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आराम से करते थे, है ना। पिछले वीडियो में मैंने डाला था नाइन्थ क्लास का साउंड सबसे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, और वो मैं पूरा नहीं कर पाई थी। अभी मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 19, वो सुनार के बारे में बतला रही थी कि सुनार की शारीरिक तथा उपयोग का वर्णन करें। थोड़ा सा मैंने बतलाया, लेकिन वो हमें ये फिगर देके बतलाना था, ठीक है। ये फिगर देके बतलाना था कि इसका उपयोग कैसे होता है, वो देखिए। नाव या जहाज, है ना, ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये चित्र बनाना होगा, ये फिगर बनाना होगा। सर्किट लगा हुआ है, प्रेसिक ट्रांसमीटर डिटेक्टर लगा हुआ है, और ये साउंड जब किसी फील्ड से टकराता है और ये परावर्तित होता है तो उसे खबर मिल जाता है ना। इसे हम पता लगाते हैं कि ट्रांसमीटर द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न किया जाता है और भेजा जाता है, और समुद्र तल में स्थित किसी फील्ड से टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद परावर्तित होकर प्रतिशत द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ना। और परावर्तित होकर दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये चित्र जैसे बनाइएगा तो आप लोग को लिखने में बहुत आसानी होगी। यदि नहीं भी याद है कि क्या क्या होता है तो ये आप चित्र बना लीजिएगा तो आपको पूरा खुद ब खुद याद आ जाएगा। फिगर देखते हैं ना कि ट्रांसमीटर क्या करता है, डिटेक्टर क्या करता है, और समुद्र तल में जो फील्ड है वहाँ तक इसका पता कैसे लगता है ना। तो वही है, ये चित्र को एक बार घर में बनाने का प्रैक्टिस आप तो कर लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं। नाव या जहाज का चित्र बनाना है। अब है कि ट्रांसमीटर कैसे काम करता है ना, इनका कार्यविधि और उपयोग का वर्णन करना है। पराध्वनि तरंगों को क्या करता है कि विद्युत संकेतों में बदल होता है। ट्रांसमीटर जो है, यह जो ट्रांसमीटर है वह क्या करता है कि पराध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग संकेतों में बदल देता है, और जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। माना कि पराध्वनि संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय का अंतराल मान लीजिए T है ना। यहाँ से आना और यहाँ से जाना, उसको अधिग्रहण करना, उसको कैच करने में लगा समय T है। समय को T से लिखते हैं। और समुद्री जल में, पानी में इसकी चाल, ध्वनि की चाल जो है पानी में वह V है ना, और T है टाइम। तब सतह से पिंड की एक तरफ की दूरी या गहराई कितना होगा, D, है ना। पानी में ध्वनि का चाल V है, और ग्रहण करने का समय अंतराल T है। तो सतह से पिंड की एक तरफ की गहराई आप इसको मानेंगे हम D से, ठीक है। तो सतह से पिंड तक तथा पिंड से वापस सतह तक पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 2D, है ना। सतह से पिंड तक और पिंड से वापस सतह तक पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, 2D। तो हम सूत्र जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, V = D/T। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। ये तो पता आप लोग को, चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये दूरी जो हम निकालते हैं, है ना, यहाँ तक परावर्तन का जो दूरी निकालते, दूरी
तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ये ध्वनि की जो चाल है, चाल गुने समय, है ना आसान? आपको दिमाग में क्या रखना है कि चाल गुने समय, ध्वनि की जो चाल है उसको हमको समय से गुणा कर देना है, तो दूरी पता चल जाएगा। ध्वनि की चाल को हम समय से गुणा करेंगे हमको दूरी पता चल जाएगा। तो d इक्वल टू v इंटू t एंड 2d इक्वल टू v इंटू t और d इक्वल टू v इंटू t बाई 2, v इंटू t बाई 2। अब कॉपी में आप लोग लिख के बना के देखिएगा, दूरी बराबर चार गुणे समय और d बराबर v इंटू t और 2d बराबर v इंटू t और d बराबर v इंटू t बाई 2। ये क्या हो गया? इससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, इससे गहराई पता चल जाएगी, गहराई को पता लगाया जाता है ना। अब इसका है उपयोग, इस समीकरण में v तथा t के मान रखकर हम डिस्टेंस पता लगा लेते हैं, यानी कि दूरी पता लगा लेते हैं कि कितना दूर है ना, दूरी पता लगा लेते हैं। और डिस्टेंस यानी कि यहाँ का डिस्टेंस क्या हो मानेंगे हम, इसका डिफरेंस डेप्थ उसकी गहराई है ना, कि समुद्र तल से यहाँ से कितना गहरा है समुद्र तल, इसी को इसी गहराई को ना फिर बोलेंगे डी बोलेंगे, है ना, डी को डिस्टेंस गहराई। तो सबसे पहले क्या इससे हमको फायदा हो रहा है, उपयोग हो रहा है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने से, समुद्र की गहराई डेप्थ में गहराई ज्ञात करने में, और जिसका समुद्र के अंदर स्थित चट्टान हिमशैलाब टूटे फूटे हिम के बर्फीले टुकड़े शैल भाटिया पनडुब्बिया टूटे हुए जहाज फूटे हुए कुछ भी किसी भी तरह का पेड़ आदि की जानकारी प्राप्त हो जाता है ना। कितना बड़ा चीज ट्रांसमीटर, इससे प्रदान से सब इसका चीज पता चल जाता है। और यही कारण है जब इतना टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया है कि अब आप जल्दी नहीं सुनेंगे कि कहीं पर जहाज टकराया या उलट गया या डूब गया, है ना। आपने बहुत पहले टाइटैनिक का नाम सुनेंगे, टाइटैनिक जहाज का वो 1912 का बात है, इसका टेक्निकल उसका डेवलपमेंट नहीं था, इसका धीरे 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 सबका डेवलपमेंट हुआ है और आगे से कितना आगे दुनिया निकल गई है। तो पहले ये चीज नहीं था और अब ये सभी भी जल्दी से देगा कि यहाँ पर ये घटना घटी है ना। ये है इसका उपयोग, सोनार की कार्य विधि तथा इनका उपयोग, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कॉमेंट कीजिए, तो जरूर आप आपसे पूछिएगा। और ये फिगर आप जरूर याद रखिएगा, तो फिगर से आपको कोई भी डाउट बन जाएगा तो फिगर देखिए आपको याद आ जाएगा। फिगर बहुत बड़ा सहारा होता है साइंस के फिगर के लिए, कुछ हमको परिभाषा याद नहीं है, आपको थोड़ा सा फिगर याद है, किसी का किसी बनावट याद है हल्का सा, आपको सब लाइन याद आ जाएगा, सब परिभाषा याद आ जाएगा, है ना। ये सब कुछ कुछ अपना अपना तरीका रहता है, ठीक। अब है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि एक पनडुब्बी पर लगी एक सैलाब उसकी संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड में सुनाई पड़ती है, 5 सेकंड बाद ग्रहण करती है। और यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, उनको ध्वनि का चाल निकालना। अभी जस्ट मैंने बतलाया कि चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, और दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, चाल, ध्वनि की चाल निकालना। तो दूरी यहाँ कितना दिया हुआ है, 3625 मीटर, और पनडुब्बी पर लगी सोनाली की सचिन देखिए ध्वनि है
प्रतिध्वनि यानी इको 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है, 5 सेकंड के बाद इसका ध्वनि सुनाई पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चाल की गणना के लिए, तो हम 2D दूरी बराबर चाल गुणे समय लिखते हैं, और दूरी है यहाँ पर 2D बराबर चाल भी निकालना है हमको, चाल की गणना करनी है, चाल गुणे टी, अब टी कितना दिया हुआ 5 सेकंड। तो यहाँ पर प्रतिध्वनि इसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है, यहाँ हम फिर प्लस बनाएंगे, इसको लिखेंगे 2D = D × T, इससे पहले मैंने बताया था, और फिर D = D × T/2, लेकिन यहाँ पर डी कितना है 3625 है ना, 2D है 3625 meter = V यानी कि वेलोसिटी गुने टाइम, टाइम है 5 सेकेंड, इसका पहले हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2D है ना, कितना है 2D, तो जब हमको D निकालना है तो हम 3625 = V × 5/2 है ना, 2 निकालेंगे, अब V = 3625 × 2/5, ऐसे करके इसको बैठाएंगे, मान को रखेंगे और इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1450 मीटर/सेकेंड। और सिंपल भी हम कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे भी कर सकते हैं, चाल हमको निकालना है, यहाँ पर 2D हो गया और समय है 5, और 2D कितना है 2 × D कितना है 3625 मीटर, इसको इतना से गुना कर दिए बटा 5, सब काटने के बाद कितना आता है 725, 5 को 3625 से काटेंगे तो आएगा 725, और 725 को हम 2 से गुना करेंगे तो शाम करेगा 1450, ठीक है, यही आंसर। इसका बिल्कुल इजी था, खाली फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इस वजह से हम लोग इसका चाल का गणना करने के पनडुब्बी से, पनडुब्बी से वस्तु की दूरी इतनी है, इसका चाल कितना है, चाल हम लोग निकाले 1450 मीटर/सेकेंड। अब है तीसवा क्वेश्चन, किसी धातु के ब्लॉक में 200 का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका वर्णन कीजिए। किसी धातु के ब्लॉक में उसके दोष को पता लगाने में कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चित्र को देख लेते हैं, चित्र देखने से आप लोग आसान होगा बता देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को धातु के ब्लॉक से टेस्ट किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव को धातु के ब्लॉक में, इस जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में इसको भेजा जाता है, और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए डिटेक्टर यानी कि ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है, यदि थोड़ी सी भी कमी रहती है तो वहाँ पर कमी रहती है तो पराध्वनि की तरह ये क्या होता है परावर्तित हो जाता है, पराध्वनि तरंगे जो है वह परावर्तित हो जाती है, और धातु के ब्लॉक के दोष को, दोष की उपस्थिति को बतलाता है। तो ये पराध्वनि का कितना उपयोग है तो देखिए, है ना,
ब्लॉक्स में जो भी दरार है, जो भी थोड़ी मोड़ी कमी रहती है, इसको ये तुरंत बतला देता है, सर्फेस को तुरंत बतला देता है, डिटेक्टर तुरंत बतला देता है कि यहाँ पर कुछ हल्का सा दोष है, या तो दरार है, टूटा है, फूटा है, कोई भी चीज है, तो वो इस चीज को बता देता है। अब कैसे बनता है, ध्वनि जो है पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। पराध्वनि तरंगें जैसे आ रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और धातु के ब्लॉक दोष को उपस्थिति को बतलाते हैं। धातु के ब्लॉक की उपस्थिति को बतलाते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ दरार है, कुछ लीक है ना, कुछ कमी है। तो इस तरह से आप उस चित्र को भी बना लीजिएगा। तो हमने क्या कहा था कि चित्र में इतना बड़ा शक्ति है कि आपको लाइन नहीं याद है, तो चित्र को माइंड में आप बिठा लीजिएगा, तो चित्र को देख के आप उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे भी चित्र आपको याद है, तो आप आराम से लिख लीजिएगा कि अरे ब्लॉक में ऐसा था, यहाँ पर कुछ पराध्वनि करके परावर्तित हो जाता है, क्यों परावर्तित हुआ, तो यहाँ पर कुछ दोष था, किसी कुछ कमी थी ब्लॉक से, या लौट गया, बाकी पार हो गया और ये यहाँ से लौट गया, है ना। तो दोष किस स्थान से परावर्तित हो जाते हैं, दोष किस स्थान यहाँ पर था, प्रयास किया गया, रिफ्लेक्ट हो गया, है ना जी। बस समझने का है, आप लोग एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और मेरा वीडियो सुनिए और सुनिए, फिर आपको कुछ किसी हेल्थ का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 22, 22वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की कान किस प्रकार कार्य करती है। सबसे लेंदी क्वेश्चन है और अपने कानों के बारे में हम लोग को जानना चाहिए और किस प्रकार कान कार्य करता है, क्योंकि कान से ही साउंड हम लोग रिसीव कर रहे हैं और कान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे लिए हर अंग का बहुत महत्वपूर्ण है, आँख नाक कान और पथरिक अंग का ज्ञानेंद्रियों का बहुत उपयोग है। तो मनुष्य के कान किसके कार्य करता है और कान की क्या बनावट होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी फिगर को देख के मैं बतलाऊंगी तो आपको तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसका भी फिगर बनाने का प्रैक्टिस आपको कीजिएगा, है ना, इसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर ये चित्र है बना हुआ, तो चित्र को बारे में बताते हैं, पहले क्या क्या है इसके बारे में हम बतला रहे हैं। मनुष्य का बाहरी कान जो है, ये जो है बाहरी कान, ये सबको है ना। आप लोग के कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को, बैल को, बछड़ा को, चूहा को, सबको है ये कान। हिरन विरन सबको है, हाथी सबको है, सबसे बड़ा तो हाथी का ही है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना, PINNA, पिंडा या कर्णपल्लव या बाहरी कान या बाह्य कर्ण या कंडलियन, ठीक है, सब यही कहलाता है। यह बाहरी आसपास के परिवेश से ध्वनि को, बाहरी आसपास से ध्वनि को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ध्वनि को इकट्ठा करता है और इकट्ठित ध्वनि को श्रवण नालिका से गुजरता है। श्रवण नालिका जो यहाँ से गुजरता है, श्रवण नालिका से ध्वनि गुजर के अंदर आता है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है, श्रवण नलिका के सिरे पर पतली झिल्ली होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, सिंपेलिक मेम्ब्रेन कहते हैं, या कर्णपट्ट या कर्णपट्ट की झिल्ली कहते हैं, सिंपेलिक मेम्ब्रेन। यह माध्यम से संपीड़न कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं और झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है। झिल्ली के बाहर की ओर, जो झिल्ली जो कान की झिल्ली है उसके बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और इस प्रकार विंडल रेयर सेक्शन के पहुंचने पर कर्णपट्ट बाहर की ओर गति करता है। कर्णपट्ट जो है यह बाहर की ओर गति करता है, कर्णपट्ट बाहर की ओर गति करता है और इस प्रकार कर्णपट्ट वाइब्रेट करता है। ये कर्णपट्ट क्या करेगा, तो ये झिल्ली जो है कर्णपट्ट, झिल्ली कर्णपट्ट कर्णपट्ट
या मेम्ब्रेन वह क्या करता है, भाद्रित करने लगता है। यहाँ जो मेम्ब्रेन है कंदपट, क्या कंदपट या ट्रिप्टेरिक मेम्ब्रेन जो हुआ ये यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। और मिडिल ईयर में ये बीच का पोर्शन मिडिल ईयर कहलाता है, ये छोटा सा है यह कहलाता है मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर में तीन तरह की हड्डियां होती है, जो कि मेन हड्डियां होती है तीन, ये कहलाता है मुगदरक, जिसे कहते हैं मैलियस, ये मुगदरक को कहते हैं मैलियस, और दूसरी छोटी हड्डी उसे कहते हैं निहाई यानी इंडिकस, INCUS, और मुगदरक को कहते हैं मैलियस, MALLMALLEUS, ये है मैलियस और ये है इंडिकस, और वलयस है इसका स्टेप, ACAPES, इस हड्डी का नाम है स्टेप, ACA, ये वलयम जो है इसका नाम है ACAPES। कंपनों को कई गुना बढ़ा देते हैं, ये बीच की जो हड्डियां है तीनों मिडिल कैनी की, ये क्या करती है, जो वाइब्रेट हो रहा है ना, उसको करीब कई गुना बढ़ा देती है। इसको बढ़ाने से क्या होता है, मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इस दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित करता है। यह क्या करता है, मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर आता है और ये क्या करता है, फिर आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। जो ध्वनि तरंग क्या करता है, पहले कई गुना बढ़ा देता है, और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाली इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचा देता है, और आंतरिक कर्ण जो है वह मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर में कर्णावत, मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर में ये आता है कर्णावत, इसको कहते हैं कॉक्लिया। यह इंटरनल ईयर का पार्ट है, इसको कहते हैं देखिए आंतरिक कर्ण में कर्णावत कॉक्लिया द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या होता है, दाब परिवर्तन को आंतरिक कर्ण से संचालित कर देता है, और मिडल ईयर के बाद इंटरनल ईयर में कॉक्लिया द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है ना, कॉक्लिया द्वारा परिवर्तन को विद्युत संकेत से परिवर्तित कर दिया जाता है, और इन विद्युत संकेत में परिवर्तन कर दिया जाता है, और इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है ना, श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। श्रवण तंत्रिका को बोलते हैं ऑस्कुलस नर्व, तंत्रिका का नर्व ऑस्कुलस यानी कि श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इस तरह से हम लोग को शांति सुनाई पड़ता है, एक्सटर्नल ईयर इकट्ठा करता है, मिडल ईयर उसको कई गुना झिल्ली जो है माध्यम के सर्टिनल और कंडपट तक पहुँचते हैं, और झिल्ली के बाहर से लगने वाला दाब बढ़ जाता है, उसके कारण लिंडन के पहुंचने पर कंडपट बाहर की गति करने लगता है। इस तरह मिडल ईयर में इतना काम हुआ, और उसके बाद क्या होता है, जब मिडिल ईयर जो तीनों हड्डियाँ काम करती है उसके बाद ये आंतरिक कर्ण तक संचालित कर देते हैं। तो आंतरिक कर्ण में कॉक्लिया है, कॉक्लिया का इम्पोर्टेंट रोल है, वह विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर देता है। कॉक्लिया क्या करता है, दाब परिवर्तनों को विद्युत विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, और इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका ऑस्कुलस नर्व द्वारा ब्रेन में मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इस तरह से हमारा क्या कंप्लीट हुआ, मनुष्य के कान का किस प्रकार कार्य करता है, और एक मनुष्य के कान का चित्र, ठीक है। तो इस चित्र पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
और छोटी छोटी हड्डियों का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, मुद्गरस उसको बोलते हैं बैलियस, निहाई उसको कहते हैं इंडिकस, और ये वलियस उसको कहते हैं स्टैटिस। ये फील्ड स्टैटिक है, लेकिन ये हड्डी का नाम है स्टैट, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की स्टैट है, और सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर है ना। तो हम ये चैप्टर क्वेश्चन के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। मैं छोटी सी बात कुछ बता देती हूँ, ये आप लोग को छोटा छोटा चीज, जैसे कि ध्वनि की चाल जो है किसमें ज्यादा रहेगा, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, है ना। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी ठोस में। ये कुछ टिप्स है जो आप लोग एकदम दिमाग में बिठा कर रखिएगा। फिर ध्वनि चाल के माध्यम जो है वो ठोस में सबसे ज्यादा होगी। फिर जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। फिर जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, आर्द्रता रहेगा, द्रव रहेगा, तीव्र का अंश रहेगा, भीगा भीगा रहेगा, नमी रहेगी, वहाँ भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और टेम्परेचर यदि बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है ना। टेम्परेचर बढ़ा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। और यदि दांत पर, दांत की जहाँ तक बात हो, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। दांत यानी कि प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, साउंड के स्पीड पर, ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट पड़ता है माध्यम पर, ठोस द्रव द्रव्यात्मक माध्यम पर, इलास्टिसिटी पर, उसकी प्रत्यक्षता पर, और ह्यूमिडिटी पर, टेम्परेचर पर, इसमें ध्वनि की चाल निर्भर करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होता है, वहाँ आवाज बहुत मीठा होता है, फ्रीक्वेंसी जहाँ कम होता है, आवाज में धीरे होता है, और थोड़ा सा मोटी आवाज जैसे पुरुषों की आवाज होती है, और महिलाओं की आवाज में जैसे अधिक होता है, पीच भी अधिक होता है। तो ठीक है, मुझे जितना लगा बतलाना था मैं आप लोग को बतला दूँ, और आप लोग को चाल किसका किसकी कितना चाल है वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसका कोई याद नहीं करता है, थोड़ा सा कुछ ठोस का, हल्का सा कोई द्रव का, वायु का, और इस टेम्परेचर पर किसका कितना चाल है, दो चार थे बस याद कर लीजिएगा, है ना। और टेम्परेचर का जहाँ तक बात होगा, टेम्परेचर जब भी निकालने के लिए कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन करे, तो टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में निकालिएगा, ठीक है। केल्विन में निकालिएगा, केल्विन दिया रहेगा तो फिर आप उसको सेल्सियस में बदल दीजिएगा, सेल्सियस में रहेगा तो आप केल्विन में आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये काफ़ी लंबी चैप्टर था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ये आज कम्प्लीट हुई है। फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कुछ पूछना है आप जरूर पूछिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आज नंबर को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, इसके बाद हम बीमार क्यों होते हैं ये चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।